लेकिन ये क्या, ये तो मैं हूँ खुद। मुझे तो नहीं लगता कि हमारा इस बार जॉम्बी जीतने वाला है, क्योंकि ये सामने वाला जॉइंट इतना ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई। ओ माय गॉड, ये तो हल्क की तरह चिल्ला रहा है भाई। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर, और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में होने वाले हैं जायंट स्मॉक और उनकी फाइट होगी हमारे म्यूटेंट जॉम्बी से, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों ये हमारा पहला अपोनेंट मॉब, जिसका नाम है बोराको द सन चीफ, और ये है हमारा जॉम्बी म्यूटेंट, आई मीन म्यूटेंट जॉम्बी। देख सकते हैं आप लोग कि कितना ही खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल हल्क की तरह है भाई। और ये मैंने दोनों को सेट कर दिया, आप देखिए इन दोनों की फाइट स्टार्ट होगी, और ये कैसे हमारा हल्क वाला जॉम्बी आई मीन म्यूटेंट जॉम्बी इस बोराको को उठा उठा के मारने लगा है भाई। और आप लोग ऊपर देख सकते हैं इसकी एचपी भी कितनी जल्दी कम होती जा रही है। ये हमारा म्यूटेंट जॉम्बी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। कैसे ये मुक्के मार रहा है और एक एक मुक्के में गड्ढा होता जा रहा है, लेकिन ऊपर से ये जो बोराको है ये भी हार मानने नहीं वाला इतना जल्दी। और भाई ये इतनी जल्दी से सनबीम फेंक रहा है भाई, लेकिन ये क्या, ये तो खत्म हो गया और हमारा जॉम्बी यहाँ पे जीत चुका है गाइस। अब बारी है राउंड टू की, लेकिन दोस्तों उसके पहले हम थोड़ी सी एनर्जी फुल कर देते हैं अपने म्यूटेंट जॉम्बी की, जिससे वो थोड़ा सा हमसे खुश हो जाए। भाई मानते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन भाई ये भी थक चुका है, देखो इसके कपड़े वपड़े सब कुछ फट गए हैं। अब हम बुलाते हैं अपने दूसरे वाले जायंट मॉब को। तो गाइस हमारा ये दूसरा वाला जायंट मॉब आ चुका है, लेकिन ये क्या, ये तो मैं हूँ खुद, लेकिन इतना बड़ा, अच्छा हाँ अब समझ में आया, ये है आर्मर्ड जायंट और इसीलिए ये मेरी तरह दिख रहा है। अब जल्दी से इन दोनों को फाइट के लिए सेट कर देते हैं, और अब मैं जल्दी से अपने म्यूटेंट जॉम्बी को भी फाइट के लिए रेडी कर देता हूँ। और ये क्या, मेरे क्लिक करते हैं, ये तो दौड़ते दौड़ते उस बड़े से जायंट को मारने के लिए जा रहा है। अब देखते हैं कौन जीतने वाला है। मुझे तो नहीं लगता कि हमारा इस बार जॉम्बी जीतने वाला है, क्योंकि ये सामने वाला जायंट इतना ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, इतना ही बड़ा लग रहा है। मेरे को लग रहा है वो एक पैर रखेगा और ये हमारा जॉम्बी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये क्या यार, मेरा जॉम्बी तो इतना ही ज्यादा खतरनाक है, ये बिल्कुल यार कसम से कैसे मार रहा है, और ये कैसे तो खत्म कर दिया जायंट को। यार मानना पड़ेगा तू तो बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, भाई तू तो मेरे को गलत साबित कर दिया, ले थोड़ी सी एनर्जी दे देता हूँ तेरे को, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब हमारी बारी है तीसरे जायंट को बुलाने की, और दोस्तों हमारा ये तीसरा जायंट आ चुका है, जिसका नाम है फ्रॉस्ट माओ। हैं, ये कैसा नाम है भाई फ्रॉस्ट माओ, ये तो मेरे से पढ़ते भी नहीं पड़ रहा। और इसको भी जल्दी से मैं फाइट के लिए सेट कर देता हूँ, इसको मैंने जल्दी से सेट कर दिया है। और अब जल्दी से चलते हैं अपने म्यूटेंट जॉम्बी के पास, और ये क्या भाई, ये थोड़ा हम लोग ज्यादा ऊपर, नहीं मेरी स्टाफ गिर गई, नहीं नहीं जल्दी से उठाता हूँ, इससे पहले जॉम्बी मुझे मारने लगे। फाइनली मैंने जल्दी से जॉम्बी को सेट कर दिया। ये क्या, मेरा ये बड़ा वाला मॉब तो सो गया है भाई, तू क्या ही गुंडा बनेगा रे तू। और ये क्या भाई, ये उठ गया भाई, मेरा जॉम्बी जाके सीधे भिड़ गया भाई, ये तो कितना निडर लग रहा है यार। ओ माई गॉड, इसके मुक्के कितने बड़े बड़े, लेकिन ये क्या, आप लोग इसकी एचपी देख सकते हो, जिसका नाम है फ्रॉस्ट मॉ, इसकी एचपी तो खत्म होती जा रही है भाई, ये जॉम्बी तो बिल्कुल उसको तोड़े डाल रहा है, मरोड़े डाल रहा है भाई। ओ माई गॉड, कितना ही ज्यादा खतरनाक तरीके से मार रहा है भाई ये हमारा म्यूटेंट जॉम्बी इस बड़े से जॉइंट मॉब को। ये क्या भाई, अगर ऐसे ही थोड़ी देर और चलता रहा तो इसको भी हमारा जॉम्बी हरा देगा। यार हमारा जॉम्बी तो इनविंसिबल है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है मेरा जॉम्बी। ओ माय गॉड भाई, इसको तो फाइट करने का मौका ही नहीं दे रहा यार ये म्यूटेंट। ओ भाई, उठा उठा के मार रहा है इस, उठा उठा के, ये क्या, ये तो सो गया, मर गया क्या भाई, उठिए जल्दी से, मेरी बेइज्जती कराएगा क्या, बस एक ही एचपी बची है, उठिए। ये क्या, ओ माय गॉड, ये तो उठ गया, और इसको फिर से कूटने लगा था। फाइनली हमारे जॉम्बी ने उस बड़े से मॉब को भी हरा दिया है, मतलब इसने अभी तक तीन मॉब्स को हरा दिया है। और अब बारी है हमारे चौथे जायंट मॉब की, उससे पहले इसको फिर से हम एचपी फुल कर देते हैं। गाइस इसकी अल्टीमेट पावर के लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे पहले हमारा जॉम्बी गुस्सा होके हमें ही मारने लगे। फिलहाल मैं अपनी बकवास को यहीं पे बंद करता हूं। और भाई लोग देखो यहाँ पे आ गया है अल्फा येटी, ये तो सबसे बड़ा जॉइंट मॉब लग रहा है भाई देखने से, और इसको भी मैंने, ओ माय गॉड, ये तो हल्क की तरह चिल्ला रहा है भाई, ये भी उसको बता रहा है कि मैं भी तेरा बाप हूँ, मुझे कम मत समझना। और ये क्या, अल्फा येटी तो बर्फ फेंक के मारने लगा इसके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा म्यूटेंट जॉम्बी भी किसी से कम नहीं है। ये भाई देख रहे हो, ये अल्फा येटी को ही तोड़ तोड़ के मार रहा है भाई, आप लोग इसकी एचपी देख सकते हो, अल्फा येटी की 25 एचपी कम हो गई, और एक एक मुक्के से भाई इसकी अप्रोक्स 5% एचपी कम होती जा रही है। और ये क्या, इसने तो मारते मारते इसकी सारी एचपी को आधा कर दिया। और ये क्या, ये तो बिल्कुल फड़फड़ाने लगा भाई, एटी भाई इसका तो बस नाम ही एटी है, लेकिन हमारा ये
जो जॉम्बी है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। मैंने सही किया ना जॉम्बी को अपनी टीम में लेके, अगर मैंने गलती से ये टीम को अपनी टीम में लेता तो ये तो भाई हम लोगों को हरवा देता भाई। ये क्या हमारा ये जॉम्बी तो सो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर से उठेगा और इस येटी को मार के ही दम लेगा। मुझे तो लग रहा है भाई आज इस पूरे मॉब्स को ही एक चुटकी में खत्म करने वाला है भाई। एक नहीं दो दो मुक्के एक साथ उसके सीने पे मार रहा है भाई। और ये क्या हो भाई, येटी नीचे गिरने वाला है, बस एक और मुक्का मार के। और ये भाई उठा के पटक दिया इसने येटी को, बस 10% एचपी और बची, उसके बाद हमारा मॉब इस येटी को भी हरा देगा। और बस एक बार और और फाइनली हमारा म्यूटेंट जॉम्बी यहाँ पे जीत चुका है। और जैसा कि मैंने सोचा था, हमारे म्यूटेंट जॉम्बी ने इसको हरा दिया है और हम इसकी एनर्जी फिर से फुल कर देते हैं। अब बारी है हमारे सबसे अंतिम मॉब को बुलाने की। तो गाइस जल्दी से आप लोग म्यूटेंट जॉम्बी को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस आखिरकार हमारा सबसे आखिरी वाला जॉइंट मॉब आ गया है जिसका नाम है Strong Knot। और भाई मुझे खुद नहीं पता ये कितना खतरनाक होने वाला। अब मैंने जल्दी से अपने म्यूटेंट जॉम्बी को फाइट के लिए रेडी कर दिया। अब ये दोनों आपस में भिड़ चुके हैं। और ये क्या भाई कितना गुस्से में लग रहा है। ओ माय गॉड, इसके पास तो बहुत बड़ा ये कौन सा औजार है भाई, इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल एक्स की तरह। हालांकि हमारे म्यूटेंट जॉम्बी ने इसको 2-3 मुक्के मार के इसकी एचपी को कम कर दिया है। और ये फिरोज का बच्चा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, ये कैसे कैसे तरीके से मार रहा है। ओ माय गॉड, इसने अपनी बड़ी सी एक्स से हमारे म्यूटेंट जॉम्बी के ऊपर वार कर दी। और ये भाई बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है भाई, क्योंकि इसकी पूरी आर्मर स्टील की है, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और भाई मेरा लग रहा है ये जो जॉम्बी है थकता जा रहा है और इसकी सारी पावर्स भी कम होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ये मर ना जाए। ओ माय गॉड, ये कितना ही बुरी तरीके से मुड़ के मार रहा है भाई, ऐसा लग रहा है काट डालेगा भाई अपनी एक्स से। ओ भाई ये क्या, हमारा ये जो म्यूटेंट जॉम्बी है ये तो सो गया भाई। उठ जा भाई, नहीं तो ये तेरे को मार डालेगा। और ये क्या भाई, इसी बीच फिरोज की सारी एचपी अपने आप फुल हो गई है और ये तो भाई मरने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जल्दी से इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए क्या हमारा ये म्यूटेंट जॉम्बी जीत पाएगा कि नहीं। और ये क्या भाई, हमारे फिरोज ने तो इसको फिर से सुला दिया है भाई। मर गया क्या, खड़ा हो जा एक बार और। और फाइनली हमारा ये जॉम्बी खड़ा हो गया और ये फिरोज फिर से उठ उठ के इसको मारने लगा है। और ये क्या भाई, इसको आर पार काट जा रहा है भाई। और ये भाई मुझे तो नहीं लग रहा है कि आज हमारा ये जॉम्बी जीत पाएगा, क्योंकि ये फिरोज बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई इसके मुक्के से। ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना गंदा फाइट होने वाला है। ओहो भाई ये क्या ही चल रहा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओ काश काश हमारे जॉम्बी के पास भी स्टील का आर्मर होता तो पक्का ये इसको हरा सकता था। और ये आगे पीछे हर जगह से घूम घूम के मार रहा है, लेकिन हमारा म्यूटेंट जॉम्बी इसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये अजीब सी चीजें क्या कर रहा है, इसके पास एबिलिटी बहुत खतरनाक वाली। और ये क्या भाई, इसने हमारे म्यूटेंट जॉम्बी को खत्म कर दिया। ओ माय गॉड, मैंने सोचा था कि हमारा म्यूटेंट जॉम्बी इस खतरनाक से जायंट को हरा सकता है, लेकिन इस फाइट का विनर होता है फिरोज रॉन्ग नॉट। लेकिन मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा नूबड़े, मैं तुझसे म्यूटेंट जॉम्बी की मौत का बदला जरूर लूंगा नूबड़े। अभी बताता हूँ तेरे को, मेरे पास एक ऐसी पावरफुल स्टाफ है जिससे तू एक बार में मर जाएगा, तेरी तो ये ले। और फाइनली मैंने इस जायंट मॉब को मार दिया है। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइस मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पीस आउट, बाय बाय।